डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज काउंटिंग सॉर्ट, एनालिसिस ऑफ काउंटिंग सॉर्ट, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, काम कैसे करता है काउंटिंग सॉर्ट, सारे के सारे पॉइंट्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इवन आपके इंटरव्यूज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो शेयर करके, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग सॉर्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ नॉन कंपेरिजन बेस्ड एल्गोरिदम। मतलब जितने भी हमने एल्गोरिदम पहले डिस्कस किए, चाहे क्विक सॉर्ट की बात कर लो, मर्ज सॉर्ट की बात कर लो, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये सारे के सारे कंपेरिजन बेस्ड थे। मतलब जो भी नंबर आपको दिए हुए हैं इनको हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन नॉन कंपेरिजन बेस्ड में हमारे पास आ जाते हैं काउंटिंग सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट है। तो देखो ये काउंटिंग सॉर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, कैसे काम करता है, वो आप स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास दो चीजें गिवन होती है। नॉर्मली तो हमारे पास क्या गिवन होता है, एरे गिवन होता है, जिसमें हमारे पास नंबर्स जो है, एलिमेंट्स ये होते हैं, कीज दे रखी होती है, और उनको सॉर्ट करना होता है, यही काम होता है ना। लेकिन यहां पे नंबर्स के साथ साथ इनपुट एरे के साथ साथ आपको रेंज भी दी होगी, दो चीजें यहां पे दी होती है। जैसे रेंज की अगर हम बात करें, आपको दे दिया कि आपके जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो आपको सॉर्ट करने हैं, वो इस रेंज के अंदर है, मतलब वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही होंगे, उससे बाहर नहीं हो सकते। ये सबसे पहला कंस्ट्रेंट है, रिस्ट्रिक्शन भी आप कह सकते हो काउंटिंग सॉर्ट की। जैसे मैंने रेंज ले ली 1 से 5 तक, अब इसका मतलब क्या है कि मेरी रेंज क्या है, 5। मेरी रेंज जिसको हम K से डिनोट करते हैं, मेरी रेंज होगी 5। मतलब मेरे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन होंगे इसके बीच में ही, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये होगी। दूसरा, इनपुट एरे हमारे पास गिवन होगा, और वो इनपुट एरे लेट से कोई भी हम ले लेते हैं, अब जो भी नंबर्स लोगे वो इसी रेंज के अंदर ही होने चाहिए। जैसे अगर हम नंबर ले लें 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, ठीक है, कुछ भी हम जो भी नंबर लेना चाहते हैं वो नंबर ले सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमने इस तरीके से एक इनपुट एरे ले लिया और रेंज यहां पे डिफाइन हो गई। अब हमने देखना है कि काउंटिंग सॉर्ट काम कैसे करता है। तो देखो काउंटिंग सॉर्ट के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो आपकी रेंज है, जितनी आपकी रेंज है उतने पहले आप एक एक्स्ट्रा मेमोरी, आपको एरे कह लो या कोई और डेटा स्ट्रक्चर जो भी आप यूज कर रहे हो, उसको एक एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहां पर रेंज कितनी है मेरी, 5, तो यहां पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट यहां पे मेरे को टोटल जो है वो 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मतलब आप कैसे भी कह सकते हो कि आपको रेंज पता है कि आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम 5 है, मतलब 1 से लेके 5 तक है, तो आपने 5 का एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ले लिया। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इस पूरे में से, लेट्स से अगर आपको इस तरीके से कोई इनपुट दिया हुआ है, उस इनपुट में आपको रेंज नहीं दी हुई, तो आप उस इनपुट एरे में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उतने का तो आपको एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा। आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट मतलब काउंट करना है, एलिमेंट्स को काउंट करना है कि कितनी बार अक्कर हो रहा है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ गया 1, सबसे पहले ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1। अब देखो यहां पे 1 कितनी बार आ रहा है, मतलब सबसे पहले ये एलिमेंट कौन सा, 2, तो यहां पे 2 जो है वो एक बार आ गया। थोड़ा सा ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। सबसे मतलब ट्रैवर्स कर रहे हैं इस एरे को, ट्रैवर्स कर रहे हैं, सबसे पहला एलिमेंट क्या था, 2, जाओ और वहां पे 1 लिख दो। 1 मतलब कि 2 एक बार आ गया, 2 की अक्रेंस एक बार है, तो मैंने यहां पे 1 लिख दिया। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा, 1, मतलब 1 एक बार है, तो मैंने उसकी जगह 1 कर दिया, ठीक है। ये 1 और इस 1 में कंफ्यूज मत हो जाना, ये वैल्यू है और ये क्या है, अक्रेंस है कि कितनी बार वो आया है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। अब देखो 2 दो बार आ गया, तो यानी मैंने यहां पे 2 जो है वो दो बार कर दिया, मतलब इसकी अक्रेंस दो बार होगी। देन 3 पहली बार आया, देन 1 भी दो बार आ गया, तो यानी मैंने इसकी अक्रेंस 2 कर दी। देन 2 एक और बार आ गया, मतलब 3 बार आ गया 2, तो मैंने इसकी अक्रेंस 3 कर दी। देन 4 एक बार आ गया, तो मैंने एक इसको यहां पे लिख दिया। 5 इसमें है ही नहीं, तो 5 की अक्रेंस एक तरह से क्या होगी, 0 होगी, जो नहीं अक्र हुआ उसको अब 0 कर दो, दैट्स इट, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर से स्टार्ट करो, ट्रैवर्स करो, मतलब इस पूरे एरे को
ट्रैवर्स करो, ऊपर से स्टार्ट करो, और ट्रैवर्स करने के साथ साथ जितनी बार जो एलिमेंट अक्कर हो रहा है उसको लिख दो यहाँ पे, दैट्स इट। मतलब ये देखो सबसे पहले एलिमेंट क्या है, वन। वन कितनी बार अक्कर हो रहा है, दो बार। देन टू, टू कितनी बार अक्कर हो रहा है, तीन बार। थ्री कितनी बार अक्कर हो रहा है, वन बार। फोर कितनी बार अक्कर हो रहा है, एक बार। फाइव कितनी बार अक्कर हो रहा है, जीरो बार। लो, हो गया सॉर्ट। This is how the counting sort actually works, ठीक है? अब अगर हम बात करें इसकी time complexity की, तो time complexity again दो चीजों के ऊपर जो है वो depend कर रही है। एक तो input size n, जो आपको input size दे रखा है, मतलब input number of keys आपको दे रखी है, और दूसरा range, आपको range maximum कितनी है, k। तो order of n plus k, क्यों? क्योंकि आप ये जो एरे है इसको एक बार पूरे के पूरे को ट्रैवर्स कर रहे हो, और इस पूरे को भी आप एक बार ट्रैवर्स कर रहे हो, तो n प्लस के। नेक्स्ट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप ध्यान से देखो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये तो आपको इनपुट ही है, ये तो आपका जो एरे दिया है ये तो इनपुट एरे ही है, इसमें तो कीज है जिसको आपको सॉर्ट करना है। एक्स्ट्रा स्पेस आपने कौन सा लिया है, ये लिया है, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपकी जितनी रेंज होगी उतना ही स्पेस आपको लेना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ के क्या होगी, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और एन प्लस के क्या होगी, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एडवांटेज अगर आपसे पूछ ले तो लीनियर टाइम में ये वर्क कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रेंज जो है वो प्री डिफाइंड है, आप रेंज से बाहर नहीं जा सकते। और एक और प्रॉब्लम क्या है कि अगर एलिमेंट्स मेरे लेट से इस तरीके के हुए कि लेट से एलिमेंट आपका आया 2, 20,000, 3, 6, लेट से आपके पास इस तरीके के पांच एलिमेंट्स आपको दिए हैं। अब यहां पे आपके पास कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस आपको लेना पड़ेगा, 20,000। क्यों? क्योंकि इस पूरे में से आपको अक्रेंस चेक करनी है कि दो कितनी बार अक्कर हुआ, तीन कितनी बार हुआ, चार कितनी बार हुआ, तो ऑब्वियसली आपको मैक्सिमम कितना लेना पड़ेगा, 20,000 लेना पड़ेगा। तो एक बड़े नंबर की वजह से एक्स्ट्रा स्पेस आपको बहुत ज्यादा अननेसेसरी लेना पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आप इसमें कह सकते हो। बट नॉर्मली अगर रेंज डिफाइंड, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि रेंज इज डिफाइंड, विच एल्गोरिदम इज बेस्ट फॉर दैट, तो आप कह सकते हो काउंटिंग सॉर्ट इज बेस्ट। सो दिस इज हाउ काउंटिंग सॉर्ट works. Thank you.